हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पॉटिफाई टेक में। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने रियलमी X2 प्रो, जो कि काफ़ी मैसेजेस मुझे आ रहे थे लाइक इसको जो ट्रायल वर्जन जो रियलमी X2 प्रो जो रियलमी का फ्लैगशिप फ़ोन है, तो इसका ट्रायल वर्जन आ चुका है बीटा वर्जन एंड्रॉयड 10 के लिए। तो सभी लोगों का ये था कि क्या इसको अपग्रेड करने के बाद बीटा वर्जन में कोई बग्स हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस, मैंने ये कल रात को ही आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एंड्रॉयड 10 में अपडेट कर दिया था। आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 10 सेटिंग में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिवाइस नेम रियल मैक्स 2 प्रो, सो मैंने ये कर ली ये अपडेट कर दिया था एंड्रॉयड 10 वर्जन में और रियलमी UI वर्जन 1.0। तो गाइस, पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें चेंजेस क्या है। आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन आइकॉन्स है वो तो पूरा ही चेंज हो चुकी हैं यहाँ पे, एंड और जो नोटिफिकेशन बार है उसमें भी काफ़ी अच्छा इन्होंने चेंज कर दिया यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन मोड आपको मिल जाता है, जिसके जरिए जो आपकी बैटरी कंजप्शन है वो लेस होगी। और यहाँ पे आपको एक और नया फीचर मिलता है जो आई केयर का फीचर भी आपको मिलता है, जिसमें आपको आप अगर नाइट में आप अपना फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब रियलमी जो शेयर है वो सपोर्ट करेगा अदर फोन में भी, आप जैसे ओप्पो वीवो शाओमी में भी आप अपनी फाइल्स सेंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रियलमी शेयर। सो एंड सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन को, अगर मैं आइकॉन को सर्च करूँगा तो आप अपने हिसाब से जो आइकॉन्स है वो भी चेंज कर सकते हैं। मटेरियल स्टाइल है यहाँ पे, टेबल है, और आप कस्टम भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं अभी तो डिफ़ॉल्ट फ़िलहाल मुझे डिफ़ॉल्ट अच्छा लगा तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगा। तो ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। बाकी आपको वो तो पता ही होगा, अगर आप वाईफाई कॉलिंग वो इसी वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ। अगर आप रियलमी X2 प्रो में वाईफाई कॉलिंग को ऑन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा में। सिम कार्ड अगर जिस भी सिम में आप ऑन करना चाहते हो, वाईफाई कॉलिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आप वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन ऑन कर सकते हो अगर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी स्लो है आपके एरिया में। तो और अगर गाइस मैं बक्स की बात करूँ तो मैं सच बोलता हूँ कि मैंने आज लाइक मुझे 24 आवर्स तो हो चुके होंगे फ़ोन को यूज़ करते हुए, मुझे कोई बक्स देखने को नहीं मिला। बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था, कोई फ़ोन बेटर ही हुआ, मुझे कोई बग वगैरह देखने को नहीं मिला। तो आप भी अपडेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कैमरे की बात करें तो कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया हो चुकी है अभी। कैमरा क्वालिटी तो पहले ही अच्छी थी, बट नाउ इट्स रियली इम्प्रूव्ड। सो आप आशा करते हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी डाउट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।